नमस्कार साथियों, बिहार सिविल कोड की एग्जाम डेट का वेट कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी नोटिस अभी हो चुकी है जारी। आप सभी अगर आप लोग अपने एग्जाम डेट का वेट कर रहे तो एग्जाम डेट का वेट खत्म होता हुआ एडमिट कार्ड पर नई खबर और परीक्षा केंद्रों की लिस्ट हुई जारी। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में, आज की वीडियो हमारे सिविल कोड के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि बिहार सिविल कोड एग्जाम से संबंधित पल पल की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले अपडेट की जाती है। दोस्तों गूगल पर जाइए, सर्च करिए बिहार सिविल TMBU। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, इसको आप लोग ओपन कर लेना। आज की एक नई नोटिस आ चुकी है। अगर आप भी बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए तीन बड़े फैसले आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ बिहार सिविल कोड के सिलेबस में भी अब कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम बीते दो महीने से जो है आपके डिले हो रहे हैं और बार बार इनकी डेट आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट के अनुसार बिहार सिविल कोड की परीक्षाओं को अब कंडक्ट करवाए जाने वाला है। आज जारी हो गया एक नया नोटिस, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो है बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में कई सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा तिथि, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइमिंग में भी कई बड़े बदलाव आपको होने को देखने को मिलने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों की जो नई लिस्ट है वो आपको इसी हफ्ते के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस बार अगर आप भी बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में जो है शामिल होने वाले हैं तो आप लोगों को कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही, इनको जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक नई नोटिस आ चुकी है बिहार सिविल कोड 2024 के छात्रों के लिए, जो पूरी गाइडलाइन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सिविल कोड के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आप लोगों के 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है इस बार जो आप लोगों के परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि जो भी पेपर हो रहे हैं उनको जो है अच्छे से करवाया जा सके। साथ ही साथ इस बार जो है बिहार सिविल कोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नए नियम अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ रही है ताकि जो है अधिक से अधिक छात्र होने पर भी अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। और साथ ही साथ आप लोगों की जो परीक्षा केंद्रों की नई लिस्ट है वो आपको 15 दिन पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इस बार बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम 2024 में कई बड़े बदलाव करवाने यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम को जो है ऑनलाइन माध्यम में आप शिफ्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें, बिहार सिविल कोर्ट के अलावा और कई सारी वैकेंसियाँ जो हैं आप लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनके नोटिफिकेशन भी आपको अब जून के मिड से अब देखने को शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, जुलाई 2024 से पहले पहले बिहार सिविल कोड की परीक्षाओं को कंडक्ट करवा के इनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस खत्म करवाया जाना है। और अपडेट ये भी आ रही है यहाँ पे, बिहार सिविल कोड के अलावा और कई सारी वैकेंसियाँ जो पेंडिंग पड़ी हैं सभी को जुलाई से पहले पहले यहाँ पे जारी करवाया जाएगा। बिहार सिविल कोड की बात कर ले तो इस बार जो है सिविल कोड के छात्रों के लिए एक और बड़ी अपडेट सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो है बिहार सिविल कोड के पद जो है आपके बढ़ सकते हैं और खाली पदों का ब्यौरा भी मंगाया गया, जिसमें बताया जा रहा है जितने भी खाली पद सामने निकल कर आएंगे उसमें जो है इसमें इस भर्ती में जो है और भी ज़्यादा पद आपके बढ़ सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट बताई जा रही है उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बीते एक महीने से छात्र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है अपने एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे कि आखिर कब बिहार सिविल कोड 2024 की जो परीक्षाएँ आप लोगों की शुरू की जाएंगी। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि आप सभी की जो परीक्षाएँ हैं अब आपकी 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में जो है अब शुरू की जा सकती हैं। और इसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। अगर आप भी बिहार सिविल कोड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है।